हेलो। नमस्कार सर, मैं अमेजोन से बात कर रही हूँ। आपने हाल फिलहाल में एक फ़ोन लिया है? जी मैम, खरीदा था मैंने फ़ोन। जी सर, आपको जानकर खुशी होगी कि उसी फ़ोन के साथ आपकी पूरे 8 लाख की लॉटरी लगी है। 8 लाख रुपए? लगता है ये वही फ्रॉड वाले जिसके बारे में भैया बात करते हैं। हेलो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अकाउंट से पैसे उड़ा ले। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक काम करता हूँ, भैया को बताता हूँ। जी जी मैम, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी सर, जल्दी कॉल कीजिएगा क्योंकि ऑफर सिर्फ कुछ देर के लिए ही वैलिड है। ठीक है मैम। तुझे क्या लगता है, वापस फोन आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। जब तक भारत में ऐसे लालची लोग जिंदा है ना, तब तक अपने पास फोन आते रहेंगे। अरे वरुण भैया, मेरे पास ना अमेजोन कंपनी से फोन आया था, वो बोल रहे कि मेरे 8 लाख की लॉटरी लगी है, एक बार आप बात कर लीजिए। अरे ये फ्रॉड कॉल है, समझे नहीं क्या? ये लोग ना तुम्हें पहले लालच देंगे और जैसे तुम इनके लालच में आओगे, ये लोग तुम्हें OTP सेंड करेंगे और जैसे तुम उन्हें OTP बताओगे, वो तुम्हारा सारा पैसा हड़प लेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। हाँ करिए भैया। बहुत देर हो गई है, फोन नहीं आया उसका। ले आ गया फोन। हाँ जी मैडम, मेरे दोस्त को फ्रॉड कॉल करके उसे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम? माफ कीजिए सर, अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है और हमारी कंपनी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम अभी बोलोगे कि 8 लाख रुपए चाहिए तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। सर आप बेफिक्र रहिए, आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फटाफट से मेरे दोस्त के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओ तो आ गए ना लाइन पर, अब मुझे सब पता है आपका क्या प्रोसेस है। अब आप इस नंबर पे OTP सेंड करोगे और हमें कहोगे कि प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें OTP दीजिए और जैसे हम आपको OTP देंगे, आप हमारे सारे पैसे हड़प लेंगे, यही है ना आपका प्रोसेस? नहीं सर, आपके पास कोई OTP नहीं आएगा और आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटेंगे, आप बेफिक्र रहिए। क्या कोई OTP नहीं आएगा, फिर कैसे होगा प्रोसेस? जी बिल्कुल सर, लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि आपको 8 लाख रुपए कैश में नहीं मिलेंगे, आपको उसके बदले एक 4-व्हीलर गाड़ी दी जाएगी। हमारी कंपनी की तरफ से आपके पास एक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आएगा जिसमें ये चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम अमाउंट 40,000 है या नहीं। लेकिन 40,000 रुपए क्यों होना चाहिए? सर हमारी कंपनी आपके यहाँ पर 8 लाख की गाड़ी भेज रही है जिसमें डिलीवरी के समय 40,000 तक का खर्च आ सकता है, उसमें आपका लेबर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस एंड GST रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, ये चार्जेस आपको डिलीवरी के समय ही देने हैं और पहले आपके पास में गाड़ी आएगी, आप गाड़ी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो आप लीजिएगा, वरना हमारी कंपनी से वापस ले लेगी। यार ये तो बहुत सही चीज है, हमें 8 लाख की गाड़ी मिल रही है वो भी सिर्फ 40,000 में, और पैसे भी जब गाड़ी हमारे घर आए तब हमें देना है। बोल क्या बोलता है? हाँ भैया मंगवा लो गाड़ी। हाँ और वैसे भी अगर हमें गाड़ी पसंद ना आए ना तो हम गाड़ी को वापस भिजवा सकते हैं। हाँ हाँ जी मैडम, मैं ना अभी पैसों का इंतजाम करके आपको कॉल करता हूँ। ठीक है सर, जल्दी कॉल कीजिएगा। क्या लगता है, काम हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो गया है। यार हमको ना उनको ऐसा बताना है कि तेरे अकाउंट में 40,000 है, तेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? लेकिन यार हमको उन्हें बताना है कि तेरे अकाउंट में 40,000 है। एक काम करते हैं, 20,000 रुपए मैं तेरे डाल देता हूँ और उनको हम 40,000 बता देंगे। लेकिन एक बात है, अगर गाड़ी आई तो आधी आधी पार्टनरी दोनों की रहेगी। हाँ हाँ भैया, आधी पार्टनरी आपकी होगी। बोल डाल दूँ ना पैसे, मंजूर है ना तुझे? हाँ हाँ डाल दो भैया, डाल दो। ठीक है ठीक है, ये देख तेरे अकाउंट में 20,000 और डाल दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, उनको वीडियो कॉल करता हूँ। देख आ गया ना फोन। जी सर। जी मैम, ये देखिए मैम। उसको बस साफ नहीं दिख रहा है। सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर जा रहा है। हाँ देखिए मैम। सॉरी सर, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। मैं OTP भेजती हूँ। हाँ सर दिख गया दिख गया। बधाई हो सर, आपके अकाउंट में तो पूरा पेमेंट है, आपके घर कल सुबह तक गाड़ी डिलीवर हो जाएगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है मैम। जल्दी से OTP बताओ। 0498। हो गया अकाउंट खाली। अगर ऐसे बकरे मिलते रहे ना तो अपना काम बनता रहेगा, और इसे कहते हैं घर बैठे पैसे कमाना। भैया कोई मैसेज आया है। अरे तेरे अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए। पर यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो उन्हें कोई OTP नहीं बताया। भैया वो 20,000 रुपए मैंने माँ की इलाज के लिए रखे थे भैया। अरे यार ऐसे कैसे हो गया,